एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/CUET 2024 पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि CUET यूजी की परीक्षा 15 से 29 मई के बीच हुई थी और 25 जुलाई को इसकी आंसर की जारी की गई थी। राजधानी भोपाल के पास कोलार डैम के 8 में से 2 गेट सुबह खोल दिया गया है। कोलार बांध वीरपुर का जलस्तर बढ़कर 858.70 मीटर होने पर गेट खोले गए। कोलार डैम से दोनों गेट 40-40 सेंटीमीटर खोले गए हैं। जबलपुर पुलिस ने गैस एजेंसी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 9 लाख रुपए की लूट की फर्जी कहानी गढ़ी थी। शुरुआत में चकमा देते रहे लेकिन पुलिस ने क्रॉस वेरिफिकेशन कराया तो हकीकत सामने आ गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली दौरे हैं। आज वह बीजेपी नेतृत्व व केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। शाम तक भोपाल लौटने का कार्यक्रम है। सीएम शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे। 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य पर मंथन हुआ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 2 लाख युवाओं को विभिन्न समितियों से जोड़ेगी। उन्हें दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। गांव स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 6 माह में 2 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी योजना के लिए आप पात्र हैं या नहीं यह जानने अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप में ही आपको यह जानकारी मिल जाएगी। पात्रता ऐप के माध्यम से सरकार के 10 विभागों की 37 योजनाओं का डिटेल अपलोड किया गया है। क्लिक करते ही पात्रता की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब ठेके के पास लगाए का अजीबो गरीब पोस्टर इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए ठेके मालिक ने दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे लिखा बैनर चिपका दिया था। दुकान के प्रचार के लिए लगाया गया यह पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इसके बाद जिला कलेक्टर ने दुकान मालिक पर कार्रवाई की है। इंदौर में 11 लाख पौधे लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड और 51 लाख पौधे लगाने के अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को पौधारोपण करने का आह्वान किया। भोपाल में अब अगर गौवंश और पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ा जाता है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। सड़कों पर आवारा मवेशी अक्सर हादसों का कारण बनते हैं। शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान संचालक ने बिना कलेक्टर की सहमति से SDM के आदेश पर अभियोजन प्रारंभ किए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल भगत ने याचिका की सुनवाई के दौरान माना कि SDM ने अधिकार क्षेत्र के बाहर किया है। एकल पीठ ने अभियोजन कार्रवाई निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।